हक के ग्रुप में आपका फिर से स्वागत है और मैं हूँ तौसीफ। और आज का वीडियो है हमारा जो नया फार्म बना है उसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। और क्या मतलब कौन सी चीज़ें लगी है और कितना एक्सपेंस हुआ है उन सब के बारे में जो है हम डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको फार्म का जो बाहर का जो लुक है वो आपको दिखाई दे रहा है। अभी मैं आपको जो अंदर की चीज़ें हैं वो मैं आपको जो है वो दिखाता हूँ कि कहाँ पे क्या मैंने लगाया और क्या चीज़ जो है हमने कैसे बनाई है। बेसिकली जो लोकेशन है हमारा वो ये आम और लीची का पेड़ है जिसमें हमने ये फार्म बनाया हुआ है। तो आप इसको लो कॉस्ट बोल सकते हैं, लेकिन आजकल कोई भी चीज़ अगर आप बनाने जाते हैं या परचेस करते हैं तो उसका कॉस्ट जो है इतना ज़्यादा हो चुका है कि आप उसको लो कॉस्ट नहीं बोल सकते। तो कितना एक्सपेंस हुआ वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और साइज़ इसका क्या है वो भी मैं बताऊंगा। बट एक बार आप देखिए कैसा लग रहा है देखने में। दूसरी चीज़ की जो फार्म का जो लोकेशन होता है यानी कि जिसे हम पूर्व पश्चिम बोलते हैं तो वो हमारा नहीं हो पाया यहाँ पे, क्योंकि मुझे पेड़ जो है वो नहीं काटना था और मुझे पेड़ के बीच में बनाना था। तो इसलिए मैंने जो इसका फेस रखा है वो मैंने उत्तर और पश्चिम रखा, मतलब उत्तर और दक्षिण रखा है। और जो जाली आप देख रहे हैं, ये जो जाली है ये हमारा इस साइड का जो जाली है ये हमारा पश्चिम साइड का जाली है, और इस साइड का जो जाली देख रहे हैं आप ये हमारा पूरब साइड का जाली है। इसमें आपको जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये पूरा का पूरा बांस का स्ट्रक्चर बना हुआ है यानी कि बैम्बू का। और इस स्ट्रक्चर में जो आप देख रहे हैं ये चीज़ ये जाली है, जो कि जाली का गैप आप देख सकते हैं उंगली के हिसाब से ये लगभग एक इंच से थोड़ा सा बड़ा है, हल्का सा उंगली अगर इसके अंदर डाले तो इतना गैप होता है इसके अंदर में। और ये जो जाली का जो मतलब वायर है ये कोई ज़्यादा मोटा भी नहीं और ना ही ज़्यादा पतला है, ये मीडियम साइज़ का है। और इसके ऊपर हमने क्या किया है जाली को फिक्स करने के लिए, अगर मैं आपको बाहर से दिखाऊं तो जाली को हमने क्या किया है कि इस तरीके से डालने के बाद में जो ये वाला जो हमारा बांस है, ये जो बांस देख रहे हैं स्ट्रक्चर का, इस स्ट्रक्चर के ऊपर में हमने क्या किया है कि जाली को डाल करके यहाँ पे हमने इसके ऊपर फिर बांस का हल्का सा जो है बत्ती बोला जाता है हमारे यहाँ इसको, तो बत्ती हमने डाल करके इसको ऐसे ऊपर से जो ऐसे ठोका हुआ है। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर भी एक बत्ती डाला हुआ है जो कि जाली ये हीले नहीं इसको टाइट करने के लिए, तो यहाँ पे एक बत्ती दिया हुआ हमने, पूरे सपोर्ट है ये पूरा का पूरा लंबा। और इसके बीच में जो है हमने यहाँ पे वायर से इसको बीच बीच पे देख सकते हैं आप जहाँ जहाँ पे लूज हो रहा था वहाँ वहाँ पे हमने इसको बांधा हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे फिर बीच में जो ये जो हमारा बांस का जो पीलर बोल सकते हैं खम्बा, उसमें हमने क्या किया कि फिर यहाँ पे सपोर्ट के लिए जाली के ऊपर से जैसे हमने यहाँ पे दिया हुआ है सेम उसी तरीके से यहाँ पे फिर हमने इसको इस तरीके से ठोका हुआ और फिर नीचे में ठोका हुआ। तो ये देखने में भी खूबसूरत लग रहा है और काफ़ी मजबूत है, ये बिल्कुल देख सकते हैं मूवमेंट कुछ भी नहीं हो रहा, एकदम से हार्ड है, बिल्कुल टाइट है। उसके नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो जाली के नीचे का जो गैप है उसके नीचे मैंने ये पत्री जो मतलब टीन का जो एल्वेस्टर या फिर टीन जो बोलते हैं जो छत में यूज़ किया हुआ है वही चीज़ हमने यहाँ पे इसमें लगाया हुआ है। ये क्या है कि जाल के ऊपर लगभग एक फीट है और उसके बाद में एक फीट जो है ज़मीन के नीचे है, यानी कि आधा फीट जो है ये जाल के ऊपर है और आधा फीट जो है हमारा ये ऊपर में हो गया और बाकी का जो है आधा फीट वो ज़मीन के नीचे, यानी कि टोटल ये जो पीस है ये हाइट में दो फीट का। तो दो फीट में जो है कुछ नीचे हो गया, कुछ जाली पे हो गया, कुछ यहाँ पे हो गया। तो ये इसलिए हमने दिया कि जब बारिश वारिश हो तो यहाँ पे जब पानी इसके ऊपर जब जाएगा
तो ये इसके अंदर नहीं जाएगा। प्लस इसके अंदर वैसे मिट्टी जो है अभी हमें डालना है इसके अंदर में, तो मिट्टी डल जाएगा यहाँ पे। अंदर से देख सकते हैं आप, ये इस तरीके से हमने एक सपोर्ट लगाया हुआ है और ये इतना जाल के ऊपर जो है ये चढ़ा हुआ है ये टीन। तो इसी तरीके से जो है दोनों साइड में है, जिधर जिधर जाली लगा हुआ है उस साइड में है, और प्लस इस साइड का जो एरिया है इसके अंदर में हमने बांस का छोटा छोटा टुकड़ा करके इसको बनाया हुआ है। इसको हमारे यहाँ झांझ बोला जाता है। तो इस तरीके से मतलब समझिए कि टोटल जो है इसमें जो काम है आपका वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो बांस के ऊपर ही है। ये सारी चीज़ें भी हैं, देख सकते हैं इसमें स्ट्रक्चर जो है वो एक चारों तरफ से जो है इस तरीके से पीलर जो बोलते हैं पीलर टाइप से एक एक खंभा जो है लाइन से दिया गया है इस साइड में और इस साइड में, और बीच में जो है बीच में इस तरीके से जो है देख सकते हैं आपकी यहाँ पे एक एक पिलर दिया गया है मतलब एक खंभा, और बाकी का ऐसे कैंची टाइप का बना करके जो है दो दो मतलब दो खंभा दिया गया है, एक दो तीन और एक यहाँ पे चार चार इस तरीके से खंभा दिया गया है। और बाकी ऊपर में अगर आप देखें तो ऊपर में एक इसके ऊपर खंभा के ऊपर ये डला हुआ है एक ये, और इसके बाद में एक ये बीच का आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ये बीच का ऐसे लंबा गया हुआ है और एक उस साइड में गया हुआ है जाल के ऊपर में इस साइड, और इसके ऊपर फिर क्या हुआ है कि यहाँ से जो है इस तरीके से लंबा लंबा बांस जो है डाला हुआ है सपोर्ट के लिए, और फिर उस बांस के ऊपर में यहाँ पे देख सकते हैं आप कि बत्ती डाला हुआ है लंबा लंबा ऐसे चीड़ करके बांस को, और फिर उसके ऊपर से ये जो है टीन डाला हुआ है। ठीक है, टीन का जो लंबाई है ये हमारा 10 फीट है, तो 10 फीट ये है और 10 फीट ये है यानी कि 20 फीट है, और बीच में देख सकते हैं आप कि जो गैप है उसको फिल किया गया है थोड़ा सा टुकड़ा डाल करके लंबा सा, जो दोनों के ऊपर में दोनों टीन के ऊपर में जो है वो जाता है ताकि बीच से जो है बारिश हो तो वो बीच में पानी ना गिरे और वो दोनों साइड जाए। तो ये देख सकते हैं आप, और दूसरी जो चीज़ है यहाँ पे तो साइज़ की बात कर लेते हैं। तो साइज़ जो आप देख रहे हैं जो इस तरीके से जो ये लंबाई जो दिखाई दे रही है आपको, ये लंबाई है इसका 43 यानी कि 43 फीट लंबा है, और अगर चौड़ाई बात करें कि यानी कि इधर से लेकर के इस साइड तक तो ये है हमारा 18 फीट यानी कि 17.5 है वैसे तो बीच का जो अंदर का है, और प्लस कुछ जो है वो एक्स्ट्रा बाहर में निकाला हुआ है हमने जो ये जो किरा के छत का पानी जब गिरे तो वो थोड़ा एक्स्ट्रा उधर में जाए, तो उस हिसाब से जो है ये चीज़ें बनी हुई है। और बाकी रहा कि ये फिर सेम वही चीज़ है दोनों साइड में, तो ये है, और बाकी रहा इसके अंदर में मिट्टी डलेगा अभी, तो इसके अंदर जो मिट्टी डलेगा वो बिल्कुल बालू होगा यानी कि बिल्कुल सूखी हुई मिट्टी कि ताकि पानी वानी अगर कुछ गिरे या फिर जो भी बीट वगैरह हो तो वो इजीली सूख जाए हमारा, और जो है अमोनिया वगैरह ना बने। बाकी हवा का जो फ्लो है वो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल मस्त है, दोनों साइड से बिल्कुल खुला हुआ है जाली है। तो अभी इसमें ड्रिंकर्स और फीडर आना है, प्लस बाहर से जो है तिरपाल आएगा जो कि इसको कवर करने के लिए, प्लस लाइटिंग अभी अंदर में जो है लाइटिंग लगना है, और लाइटिंग लगने के बाद फिर जो है मिट्टी जो है वो डलना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी जो देखा जाए तो वैसे इसमें एक तो ये है हमारा मेटल जो कि टीन है, और दूसरा जाली है, और बाकी जो है कांटी और वायर ये चीज़ें मतलब जो है वो लगा हुआ है। बाकी का जो भी बांस है वगैरह ये सारी चीज़ें जो है वो बांस पे बनी हुई है। तो अब बात कर लेते हैं खर्च के ऊपर में। तो खर्च के ऊपर में देखिए बांस जो है वो हमें परचेज़ नहीं करना पड़ा क्योंकि हमारे पास खुद का अपना बांस है, तो बांस को मैं मतलब इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। मैं जो इंक्लूड कर रहा हूँ वो मैं इंक्लूड कर रहा हूँ जाली को,
पिन को, और जो कांटी है वो वायर मतलब तार जो जिससे कि इसको बांधते हैं, जहाँ यहाँ पे जो हमने जो बांधा हुआ है बीच बीच में इन सबको, तो वो हो गया हमारा। और जो भी नीचे जो लगा हुआ है ये इन सब चीज़ों में जो भी मतलब खर्च हुआ है वो, और प्लस लेबर जो चार्जेज जो इसको बनाने में खर्च हुआ है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, तो इसमें आप ऑलमोस्ट जो है आप कैलकुलेट करें तो जो टीन है ऊपर का और साइड में जो लगा हुआ है ये सब जो है 38 मतलब 40,000 मान करके आप चलो कि ये आपका टीन वगैरह में जो है वो खर्च हुआ है। और बाकी काटी और उसके बाद जो महंगा आइटम है वो है हमारा जाली। जाली जो है दोनों साइड का जाली मिलाने के बाद में दोनों साइड में आपका लगभग मान के चलो कि 9,000 मतलब लमसम 10,000 आप पकड़ लो कि 10,000 जो है वो आपका लगभग जाली में गया है। अब वो 10,000 इसलिए गया क्योंकि अभी जो है लोहा का रेट जो है वो बहुत हाई है, तो इसलिए जो है ये उतना गया, नहीं तो 7,000 तक में ये हो जाना चाहिए था। क्योंकि मैंने जो मतलब पहले जो मैंने दाम पूछा हुआ था इसका वो 7,000 के आसपास आ रहा था, बट अभी जो है लोहा का वजन बढ़ने की वजह से जो है रेट बहुत हाई है, तो इस वजह से जो है इसका रेट जो है मान करके चलो कि आपका 10,000 जो है दोनों साइड का जाली है। जाली का हाइट जो है मतलब यहाँ से आप यहाँ से लेकर के ज़मीन तक आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 5 फीट का जाली है इसका हाइट, और लंबा जो है वो 50 फीट का था, तो हमने इसको थोड़ा थोड़ा जो है वो कट किया है, जो कि आप देख सकते हैं वहाँ पे आपको जो है वो पड़ा हुआ जाली है। तो ये चीज़ें हैं, तो आपका जो है ये हो गया। बाकी लेबर का जो चार्जेस है वो हमारा जो है एक दिन का एक लेबर का मतलब दो मतलब एक लेबर मतलब मेन लेबर यानी कि जो जो जिसका काम है ये मतलब बनाने का, और एक उसके सपोर्ट में होता है जिसको हेल्पर बोलते हैं। तो हेल्पर का हमारे यहाँ जो रेट चलता है वो 300 रुपया है पर डे का, और जो हमारा मतलब उसका है उसका 500 रुपये। तो पाँच दो बंदा मतलब ऊपर में जो है मेन बंदा था और उसका एक हेल्पर था, तो यानी कि टोटल 3 लोग हो गए, यानी कि 1,300 रुपया जो है वो पर डे का खर्च हुआ है। तो उसके हिसाब से अगर आप जोड़े तो 10 दिन, तो 10 दिन में जो है 10,000 रुपये उसका, और बाकी जो है आपका जो है लेबर का 300 के हिसाब से अगर आप जोड़े तो 10 दिन का। तो ये सारी चीज़ें जो है मतलब ऑलमोस्ट आप मान करके चलो कि 80,000 से 90,000 रुपये के आसपास जो है मतलब टोटल कॉस्ट जो है और कांटी वटी लेकर के इसके ऊपर में जो है अभी तक आया है, यानी कि वायरिंग लेकर के मिट्टी विट्टी लेकर के ये जो है जाएगा लगभग 1,20,000 के आसपास तक ये जाना चाहिए। बाकी अभी ड्रिंकर फीडर है तो वो सब मिला करके आप मान के चलो टोटल जो इस पर आने वाला है कॉस्ट पूरा 1,30,000-40,000 के आसपास जो है ओवरऑल जो भी खर्च होगा वो आएगा, सारी चीज़ें मतलब बिल्कुल फाइनल हो जाएंगी। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। अब रहा सवाल की पहले हमारे पास छोटा सा फार्म है जो हमारे घर के पास में है, और इसका वो लगभग हाफ बोल सकते हैं इसका है। तो वो चीज़ हमने मतलब वहाँ पे बनाया हुआ है जिसके अंदर में अभी तीन ब्रीड है हमारे पास देसी की। एक तो प्योर देसी है जो हमारा मतलब लोकल चिकन है, दूसरा WFG और तीसरा सोनाली। तो सब कुछ सब मिला करके जो है 50-60 के आसपास होना चाहिए सब तीनों ब्रीड मिलाने के बाद में। तो वो है वहाँ पे, और यहाँ पे जो है जो ब्रीड डलेगा वो सोनाली डलेगा, और 1500 सोनाली का मैंने ऑर्डर दिया हुआ है। तो अब अभी उसमें मतलब डिसाइड नहीं है कि वो मीट पर्पज से रखना है या अंडा के पर्पज से रखना है, तो अभी फ़िलहाल तो अब जब आएगा वो 5 तारीख तक उसका मतलब डेट है मतलब मैंने ऑर्डर दिया हुआ है, बट अभी कोई कंफर्मेशन उधर से आया नहीं है। पेमेंट तो मैंने कर दिया है 50%, और फिर देखते हैं आगे का क्या होता है। तो उसके हिसाब से जो मतलब ब्रीड आएगा उसका क्या हिसाब होता है, क्या खर्च होता है वगैरह वगैरह, एक्सपेंसेस वगैरह
तो उसके हिसाब से फिर हम डिसाइड करेंगे कि उसको मीट के पर्पस से रखना है, मतलब सेल करना है, या फिर उसको आगे जो है कंटिन्यू करेंगे, मतलब कंटिन्यू इन द सेंस कि एक के पर्पस से डालेंगे। तो अगर एक्सपेंस जो है वो बजट में अगर आ जाता है तो फिर मैं उसको एक के पर्पस से रखूँगा, और अगर बजट में चीज़ें नहीं आती है तो फिर मैं उसको मीट के पर्पस से जो है उसको सेल कर दूंगा, यानी कि जब उसमें वज़न हो जाएगा 1 kg के आसपास तो फिर मैं उसको सेल कर दूंगा। तो वो तो खैर बाद की चीज़ें हैं, वो तो उस टाइम पर हम डिसाइड करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी फ़िलहाल तो यही सारी चीज़ें हैं, बाकी अभी छोटा सा फार्म था, अभी थोड़ा बड़ा हुआ है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ गई है, एक्सपेंस भी बढ़ गया है और रिस्क भी बढ़ गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अच्छा भी लग रहा है और थोड़ा सा डर भी लग रहा है, क्योंकि छोटी चीज़ें होती हैं तो अगर आप लॉस में जाते हो या कोई भी दिक्कत होता है तो वो छोटा ही प्रॉब्लम होता है, लेकिन अगर बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप तो फिर वहाँ पे रिस्क होता है, तो फिर बड़ा भी होता है तो थोड़ा सा डर भी लगता है। तो बस यही सब चीज़ें हैं, बट रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जब इंसान सुबह जब रात को जब सोता है तो उसकी गारंटी नहीं होती कल उठेगा या नहीं उठेगा, फिर भी उसके बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं, बहुत बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, हम लोग तो कुछ भी नहीं है। तो ज़िंदगी ही एक तरीके से देखा जाए तो रिस्क है, तो फिर डरना किस चीज़ का, बट फिर भी हम लोग इंसान हैं तो डर तो लगता ही है। तो खैर ये सारी चीज़ें हो गई, फिर आगे जो भी होता है मैं आपको अपडेट इसका देता हूँ, आगे की चीज़ें। बाकी इसमें और भी चीज़ें इंक्लूड करनी है, जैसे कि ये साइड वाला जो एरिया देख रहे हैं आप, तो यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि अजोला के लिए जो है हम यहाँ से बेड लगाएंगे, वहाँ तक जितना मतलब फार्म का लंबाई है उतना जो है हमें अजोला का बेड लगाना है। उसके अलावा जो हमारा BSF है, ब्लैक सोल्जर फ्लाई, तो उसका हमने मतलब घर में जो सेटअप किया हुआ है, तो मैंने उसको क्या किया कि जो घर में मैंने नेट लगाया हुआ था मैंने नेट हटा दिया, वो डायरेक्टली जो है पूरे रूम में जो है वो चल रहा है, तो रूम के अंदर ही उसका प्रोडक्शन चल रहा है, और फिर वहाँ पे बढ़ा रहे हैं उसको, बढ़ा रहे हैं इन द सेंस कि इस बार जो है जो बर्ड आएगा 1500, तो उसको फीड कराने के हिसाब से मैं उसको बढ़ा रहा हूँ। बाकी मतलब मेरे माइंड में था कि यहाँ पे ही नहीं होता तो कुछ सेटअप उसका जो है करते हैं, तो देखते हैं। अभी फ़िलहाल तो अभी घर के अंदर ही उसको रखना है, बाकी अगर कुछ उस टाइप का अगर होता है यहाँ पे मैं उसको मूव करता हूँ तो फिर उसका भी मैं आपको अपडेट दूंगा। बाकी रहा कि यहाँ पे फ्री रेंज एरिया जो है वो ठीक है, मतलब ज़्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है, और यहाँ पे बात ये कि सिर्फ फ्री रेंज एरिया का मतलब ये नहीं कि सिर्फ खाली जगह है, यहाँ पे घास भी है, तो जो है और वो सारा घास इस टाइप का है कि मुर्गी जो है वो बहुत अच्छे से खाती है, जो हमारे यहाँ के जो मतलब लोकल ब्रीड है वो भी WFG है, वो भी सोनाली जो है वो भी सबको मैंने देखा हुआ खाते हुए, तो सब मतलब बहुत अच्छे से खाती है। उसके अलावा केला का पत्ता वगैरह भी मैं देता हूँ टेस्ट के लिए, खाता है या नहीं खाता है, तो देखता हूँ मैं कि बहुत अच्छे से वो लोग खाता है। तो यहाँ पे अगर फ्री रेंज में मैं छोड़ता हूँ फार्म से, अगर ओपन करता हूँ मैं तो बाहर में घास वास है, आप देख सकते हैं कि आपको वहाँ पे ग्रीन टाइप का दिखाई दे रहा होगा उस साइड में, यहाँ पे ये सब, तो ये सब पूरा जो है घास है, ये जो देख रहे हैं ये सब घास है, इस तरीके का उस साइड में भी एरिया है तो वहाँ भी घास है। बाकी स्टार्टिंग में हमारा प्लानिंग जो था वो यहीं पर का प्लानिंग था और इसी लोकेशन का, बांस वास भी हमने काटा हुआ था, सब कुछ किया हुआ था, लेकिन स्टार्टिंग था तो मैंने सोचा कि इतना बड़ा ना बना करके पहले मैं जो है छोटा सा बनाता हूँ, तो इसीलिए मैंने क्या किया कि यहाँ पे ना बना करके जो हमारे घर के पास एक छोटा प्लॉट था तो हमने वहाँ पे स्टार्ट किया। तो उसी टाइम पे ये हमने जो है देख सकते हैं आप जो बाहर से जो ये बांस का जो घेरा हुआ है ये इस तरीके से, ये जो आप देख सकते हैं ये जो चीज़ें देख रहे हैं आप, जो ये जो घेराबंदी किया हुआ है ये चारों तरफ से मैंने उसी टाइम पे मतलब ये चीज़ मैंने कराई थी, तो वो तो उस टाइम पे हुआ नहीं, तो अभी घेराबंदी जो है वो हमारा काम आ रहा है, तो हो सकता है कि जब मैं फ्री रेंज में छोड़ूं तो इसके अंदर में हल्का सा जो है नीचे साइड से मैं यहाँ पे किनारे किनारे जाल लगाऊंगा कि ताकि नीचे से जो जो मिट्टी जो खा करके जो तोड़ मतलब टूट गया सड़ गया हुआ इस तरीके से सड़ा हुआ पार्ट है
तो वहाँ से जो मुर्गी बाहर ना निकले, और अगर मुर्गी का साइज़ जब बड़ा हो जाएगा तो वो फिर बाहर भी उड़ करके जा सकती है, या बाहर से मुर्गी अंदर आ सकती है, बाहर की जो मुर्गियाँ। तो उसके लिए मैंने सोचा कि यहाँ से जो है इस जो चारों तरफ से जो घेरा हुआ इसके ऊपर फिर हम नेट जो है ऊपर तक लेकर के जाएंगे वो चारों साइड से। तो वो सब चीज़ें खैर बाद का है, बाकी अभी तो ये सब आइडिया है, प्लानिंग है, बस देखते हैं जैसे जैसे चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी वैसे वैसे हम उसको जो है इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर हम आपको धीरे धीरे जो है वो भी अपडेट जो है प्रोवाइड करेंगे। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, 20 मिनट का हो चुका है, तो मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ वीडियो को। फिर मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ साथ में। तब तक के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपने नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और कमेंट करके कोई सवाल हो तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं।